साथियों, ये अटल जी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किया था। आप मुझे बताइए भाइयों, हमारे देश में भगवान राम के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? जरा आप ताकत से बताओ ना, आदिवासी थे कि नहीं थे? महाभारत काल में आदिवासी थे कि नहीं थे? राजा महाराजाओं के कालखंड में आदिवासी थे कि नहीं थे? अंग्रेजों के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? कांग्रेस के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? देश आजाद हुआ तब आदिवासी थे कि नहीं थे? लेकिन एक कांग्रेस वालों को पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि मेरे देश में आदिवासी होते हैं, पता ही नहीं था। चार चार पीढ़ी, एक परिवार की चार चार पीढ़ी प्रधानमंत्री बन के रह गई, लेकिन उनके चश्मों में कभी आदिवासी नजर नहीं आया। ये अटल बिहारी वाजपेयी आए, अटल जी आए, आजादी के इतने सालों के बाद उन्होंने कहा कि मेरे जंगलों को अपने जान से भी जो प्यारा समझता है, जो आदिवासी हमारी महान परंपराओं को संभालता है, उसके विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों का अलग मंत्रालय बनाया, और ये हमारे हमारे साथी बैठे हैं, उनको मंत्री बनाया था अटल जी ने। पहला मध्य प्रदेश से आदिवासियों को उठा करके ये काम के लिए लगाया था भाइयों, ये काम अटल जी ने किया था। भाइयों बहनों, उन्हीं की प्रेरणा से हमारा प्रयास है कि जनजातीय क्षेत्रों में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इसके संसाधन बने। इसलिए सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। वनधन केंद्रों के माध्यम से वनोपज में वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर हमारा बल है। बीते 5 वर्ष में एमएसपी के दायरे में आने वाली वन उपज 10 से बढ़कर 50 हो गई है। साथियों, मैं फिर दोहराऊंगा कि आदिवासी जमीन हो, जंगल हो, आदिवासियों का हक हो, जब तक मोदी बैठा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी आदिवासी की हक को नहीं छीना जाएगा, उसकी जमीन को नहीं छीना जाएगा। और ये झूठ बोलने वालों को, आपको भ्रमित करने वालों को सजा देने का ये वक्त है, ताकि आपके भविष्य को अधर में डालने का ये पाप करते हैं। अगर उनको आदिवासियों की परवाह रही होती तो अटल जी आने तक आदिवासियों की चिंता के लिए कोई मंत्रालय नहीं बनाने वालों को ये कहने का अधिकार नहीं है।